Hello, welcome to my channel Maths-O-Matic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 7 fractions exercise 7.6 concepts and tricks. अब हम लोग पढ़ेंगे adding and subtracting fractions, यानी कि fractions को हम लोग कैसे add कर सकते हैं और कैसे subtract कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि like fractions को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर होगा तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी दिए हुए फ्रैक्शन नंबर्स के डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में अब पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लोग इसको 5 × 2 कर लेंगे और जो नंबर आएगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5 × 2 = 10, है ना. यहाँ पे 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया हम लोग, 10 लाने के लिए 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किए. जब नीचे 2 को मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हम लोग 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. फिर तो यहाँ पे एडेड बोला है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे है 1/2, तो 2 के साथ हम लोग 5 को मल्टीप्लाई किए थे 10 ले आने के लिए, 2 × 5 = 10 होता है. वैसे ऊपर भी हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 ये हो गया. तो ऊपर हो गया मेरा 1 × 2 + 1 × 5, तो ये हो गया मेरा 2 × 1 = 2 + 1 × 5 = 5, ये हो गया मेरा 2 + 5/10, यानी कि ये हो गया मेरा 7/10. आ गया आंसर. इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन के आंसर निकालेंगे, यानी कि ऐड करेंगे अगर डिनोमिनेटर में मेरा नंबर सेम नहीं है तो. एक और ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी. देखिए ये है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 8. ये कहता है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, यानी कि ये 3/4 को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 5/6 से. तो ये हो जाएगा मेरा 5/6 − 3/4, है ना. तो इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है. देखिए नीचे में मेरा क्या है, 6 और 4 दोनों नंबर अलग है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 4 = 24, तो नीचे आ जाएगा मेरा 24, है ना. इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन एक और ट्रिक है, वो ये है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर नंबर है उसको हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है. देखिए ये 4 है और ये है मेरा 6, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम इसका, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6. ये और नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, तो ये मेरा हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा मेरा 12. तो देखिए कैसे होगा, ये हो गया मेरा नीचे में 12, ये है मेरा यहाँ पे 5/6, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरा ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2. वैसे ही यहाँ पे क्या था, यहाँ था मेरा 12, तो ये है मेरा 4, तो 4 × 3 = 12, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर मेरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 3, ये क्या हो गया 5 × 2 = 10, ये क्या हो गया मेरा 3 × 3 = 9, तो ये हो गया मेरा 10/12 − 9/12, ये क्या हो गया, देखिए 12 कॉमन हो गया, मेरा आंसर आ गया नीचे में 12 ऊपर में 10 − 9, यानी कि 1, मेरा आंसर आ गया 1/12, ठीक है. अगर हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 6 × 4 क्या होगा 24, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा 24, ऊपर में क्या था 5 और नीचे में क्या था 6, तो 6 × 4 = क्या होता है 24, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किए 24 लाने के लिए, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4 आ गया. फिर क्या था माइनस, तो माइनस कर दिए, तो उसके बाद क्या है मेरा, नीचे में 4 है ऊपर में 3, तो 4 × 6 = 24, तो 6 को मल्टीप्लाई किए 4 के साथ, तो ऊपर भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 × 6 हो गया. ये क्या हो गया 5 × 4 = 20, और ये क्या हो गया 3 × 6 = 18, तो 20 − 18 क्या होता है, 20 − 18 होता है मेरा 2, तो ये हो गया मेरा 2/24, तो ये कट सकता है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 12 = 24, 1/12. तो देखिए दोनों ही केस में मेरा आंसर क्या आया है, 1/12 और 1/12 आंसर सेम है मेरा. तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से, और हम लोग एलसीएम निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से, दोनों ही केस में मेरा सेम आंसर आएगा. तो इसको सॉल्व करने का मेरा 2 तरीका है, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्या है,
ये देखिए एग्जांपल नंबर 8, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, देखिए 5 बाय 6 माइनस 3 बाय 4, इन दोनों का एलसीएम आ गया 12, ऊपर में था देखिए मेरा 5, तो 6 टू द 12 था, तो 5 इंटू 2 हो गया, वैसे ही यहाँ पे है मेरा 12, तो 4 3 द 12 होता है, इसलिए देखिए 3 इंटू 3 हो गया, ये हो गया मेरा 5 टू द 10, ये हो गया 3 3 द 9, ये हो गया मेरा 10 बाय 12 माइनस 9 बाय 12, इसलिए 10 माइनस 9 हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया 12, आंसर आ गया 1 बाय 12, कितना इजी है। एग्जाम्पल 9 कहता है एड 2 बाई 5 टू 1 बाई 3, यानी कि 2 बाई 5 को 1 बाई 3 के साथ ऐड कीजिए, देखिए देखिए 2 बाई 5 को हम लोगों ने 1 बाई 3 के साथ ऐड किया है, ठीक है, प्लस कर दिया है, देखिए यहाँ पे क्या है 3 और 5 मेरा सेम है, सेम नहीं है, यहाँ पे एलसीएम निकालिए या मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही बात है, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए मल्टीप्लाई कर लिया है, 3 5 जा 15, 15 आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, तो यहाँ पे हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है 5 को, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने 5 इंटू 3 किया था, तो ऊपर में हम लोगों ने इंटू 3 कर दिया, तो 2 इंटू 3 हो गया, ये हो गया 1 5 जा 5, और ये हो गया 2 3 जा 6, नीचे था 15, 15 आ गया, तो यहाँ पे देखिए नीचे 15 आ गया और ऊपर में मेरा 5 प्लस 6 हो गया, यानी कि 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है सिंप्लीफाई 3 बाई 5 माइनस 7 बाई 20, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, कैसे होगा आइए देखते हैं, 3 बाई 5 माइनस 7 बाई 20 हम लिख लिए, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 20, सेम नहीं है, एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 20 आ गया, एलसीएम देखिए क्या होता है, ये होता है मेरा 5 1 जा 5, ये हो गया 5 4 जा 20, है ना, ये क्या हो गया मेरा, फिर ये हो गया मेरा 4, ये 1 आ जाएगा 4 1 जा 4, ये हो गया मेरा एलसीएम क्या 5 इंटू 4 20, एलसीएम आ गया मेरा 20, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ गया 20, तो नीचे में अगर एलसीएम 20 आया है तो क्या होता है 5 4 जा होता है 20, तो अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर ही 4 से मल्टीप्लाई हो गया, वैसे देखिए 20 1 जा 20, तो नीचे में 1 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर ही 1 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, देखिए 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, फिर देखिए नीचे में 20 20 हो गया, ये 20 आ गया नीचे में, ऊपर में 12 माइनस 7, ये हो गया मेरा 5, तो क्या हो गया 5 बाई 20, तो 5 बाई 20 मेरा कट हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 बाई 4 आ गया मेरा आंसर। अब देखिए ट्राई दिस का ये क्वेश्चन, ऐड करने के लिए बोल रहा है 2 बाई 5 एंड 3 बाई 7 को, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है 7 को, तो क्या आया 35, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 7 को, वैसे ही देखिए यहाँ भी हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है 5 को, तो 7 5 जा 35, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है 5 को, इसलिए देखिए 7 2 जा 14 और 3 5 जा 15, नीचे क्या था 35 35, ये सेम हो गया, यहाँ पे आ गया 35 और ये वाला मेरा ऐड हो गया 14 प्लस 15 यानी कि 29, आंसर आ गया 29 बाई 35। ये देखिए नंबर 2, ये कहता है सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2 बाई 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 5 बाई 7 से, तो 5 बाई 7 मेरा बड़ा है, उससे हमको 2 बाई 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी मेरा पहले नंबर लिखा रहेगा उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट वाले नंबर से, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 5 बाई 7 आ गया माइनस 2 बाई 5, कॉमन है नहीं है, 5 7 जा 35, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई किए, 5 को मल्टीप्लाई किए, इसलिए ऊपर ही 5 को मल्टीप्लाई कर लिए, और यहाँ था 5 7 जा 35, नीचे में मल्टीप्लाई किए 7 को, तो यहाँ हम लोग ऊपर में 7 को मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये क्या हो गया 5 5 जा 25, 2 7 जा 14, ये नीचे में क्या था 35 35 आ गया, नीचे में कॉमन नंबर आ गया 35, और ऊपर में क्या होगा 25 माइनस 14, क्यों ये जो माइनस है, तो 25 माइनस 14 क्या हो गया 11, 11 बाई 35 आंसर हो गया मेरा, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल नंबर 11, ये क्या कहता है देखिए, एग्जांपल नंबर 11 कहता है ऐड करने के लिए 2 4 बाई 5 एंड 3 5 बाई 6, मेरा ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 4 बाई 5 एंड 3 5 बाई 6, ये कैसे ऐड होगा देखते हैं, यहाँ पे 2 4 बाई 5 को लिख लिया है और यहाँ पे मेरा 3 5 बाई 6 हो गया, तो इसको हम लोग 5 2 जा 10 प्लस 4, देखिए 5 2 जा 10 प्लस 4 यानी कि हो गया मेरा 14 बाई 5, वैसे ही 6 3 जा 18 प्लस 5, ये हो गया मेरा 6 3 जा 18 प्लस 5 यानी कि 23 बाई 6, तो यहाँ देखिए ये है मेरा 5 और ये है मेरा 6, अलग है सेम नहीं है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, 5 6 जा क्या होता है 30, देखिए 5 6 जा हो गया मेरा 30, यहाँ पे देखिए 30 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया,
तो यहाँ पे हम लोग 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई किए हैं, 6 को, तो ऊपर भी हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 30 आ गया, तो 6 के साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई किए हैं, 5 को। यहाँ पे देखिए 5 को मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर में, तो ये हो गया मेरा 14 × 6 यानी कि 84, ये हो गया मेरा 23 × 5 यानी कि 115, तो नीचे में क्या था 30 30। अब देखिए नीचे में मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया ना 30 और 30, तो ये क्या हो गया 30 नीचे आ गया और ऊपर का नंबर प्लस हो गया 84 + 115, ये क्या हो गया 199, मेरा आंसर आ गया 199/30, क्योंकि ऊपर का नंबर मेरा बड़ा है इसीलिए हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, आप डिवाइड नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा, 30 को डिवाइड देंगे, 199 यहाँ पे आ गया, 30 बाहर में, तो 36 180, रिमेनिंग 19, तो क्या हो गया क्वोशेंट रिमाइंडर बाई डिवाइजर। क्वेश्चन कितना था 6, उसके बाद रिमाइंडर क्या है 19 और डिवाइजर क्या है 30, तो QRD। अब देखिए यहाँ पे 2 4/5 और 3 5/6, इसको हम लोग एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मेरा होल नंबर है 2 और होल नंबर है 3, तो होल नंबर को हम लोग पहले साइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 3 को पहले हम लोगों ने अलग कर लिया है, 2 + 3, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 + 3 और क्या बच गया 4/5 + 5/6 बच गया। तो देखिए 2 + 3 एक जगह हो गया और यहाँ पे प्लस में 4/5 + 5/6 हो गया। 2 + 3 क्या होता है 5, तो 5 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 और 6 हो गया ना, तो ये मेरा कॉमन नहीं है इसलिए 5 6 30, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करके क्या आया 24/30 और ये हो गया 25/30, प्लस कर दिए, प्लस करने से आ गया 49/30, ये हो गया 5 + 49/30। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया है 49 को 30 से। ठीक है, देखिए 30 1 जा 30, नीचे में क्या आ गया माइनस करने के बाद 19, ये हो गया मेरा 119/30, हो गया ना। देखिए ये हो गया मेरा 119/30, तो यहाँ पे ये और ये कट गया, ये हो गया मेरा 1 + 19/30, देखिए 5 + 1 + 19/30, यही चीज है यहाँ पे, इसको डिवाइड करके जो नंबर आता है 119/30 उसको यहाँ पे लिख लिया है। देखिए तो 5 + 1, 1 मेरा यहाँ पे होल नंबर है ना, 1 मेरा होल नंबर है, तो क्या हो गया 5 + 1 हो गया, ये हो गया मेरा 6 और फिर फ्रैक्शन क्या है 19/30, ये मेरा आंसर हो गया 6 + 19/30, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 19/30, यहाँ भी आ गया 6 19/30, यहाँ भी आ गया 6 19/30। जो आपको इजी लगे आप वो स्टेप कर सकते हैं, दोनों में मेरा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 12, ये कहता है 2 1/5 को हम लोगों को माइनस करना है 4 2/5 से। यहाँ पे देखिए होल नंबर क्या है, होल नंबर है मेरा 4, यहाँ पे है 2, इसको अलग कर लिए तो क्या हो गया 4 - 2, माइनस क्यों, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, ये हो गया 4 - 2 अलग हो गया, फिर प्लस हो गया मेरा 2 5/1/5 है ना, देखिए 2/5 - 1/5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 - 2 2, ये हो गया 5 5 कॉमन है, ये हो गया 2 - 1, ये हो गया मेरा 1/5, तो यहाँ पे हो गया 2 + 1/5 यानी कि 2 1/5। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, ये है मेरा 8 1/4 - 2 5/6, तो यहाँ पे क्या है मेरा, देखिए 8 और 2 मेरा होल नंबर है, अलग कर लिए, फिर प्लस 1/4 - 5/6 हो गया, अलग अलग कर लिए दोनों को, होल नंबर यहाँ आ गया, फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया। अब देखिए 8 - 2 क्या होता है 6, ये क्या है 4 और 6, तो 4 6 में एलसीएम क्या होता है, देखिए 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया मेरा 12। देखिए नीचे में 12 आ गया, तो ऊपर आ गया मेरा 1 × 3, 3 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग 4 × 3 किए 12 लाने के लिए है ना, तो नीचे में क्या हुआ 4 3 जा 12, तो ऊपर भी × 3 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में क्या था 6, यहाँ हम लोग किए 6 × 2, तब अगर 12 आया तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई की, तो ऊपर भी मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया 5 × 2, तो ऊपर क्या हो गया 3, यहाँ हो गया -10, ये हो गया मेरा 6 प्लस
3 माइनस 10 बाई 12, तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 10 कितना होता है, 3 माइनस 10 होता है माइनस 7, तो ये हो गया माइनस 7 बाई 12। अब देखिए यहाँ पे क्या था मेरा प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस, ये हो गया मेरा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 6 माइनस 7 बाई 12। देखिए यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में आ गया मेरा 1। हम लोग पढ़े हैं ना, अगर किसी नंबर के नीचे में कुछ नहीं होता है तो वहां पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मेरा 12 आ गया नीचे, तो यहाँ पे 1 12 जा 12 होता है, यहाँ पे हम लोगों ने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 को, तब जाके मेरा 12 आया है। ऊपर में क्या हो गया, 12 से मल्टीप्लाई हुआ है मेरा 6 के साथ, वैसे ही देखिए यहाँ पे 12 था, तो 12 1 जा 12, 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो जाके 12 आया, 12 1 जा 12, तो ऊपर में मेरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 जा 7, तो 12 6 जा क्या हुआ 72, और यहाँ पे माइनस 7 1 जा 7, ये हो गया 72 माइनस 7 बाई 12, ये हो गया 65 बाई 12। तो ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है, ये मेरा आंसर है। लेकिन इसको हम लोग और ही ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि और हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो कैसे होगा देखिए, तो 12 5 या 60, रिमाइंडर हो गया 5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया मेरा क्वोशेंट, और ये हो गया मेरा डिवाइजर, ये क्या हो गया आंसर मेरा, हो जाएगा क्यू आर बाई डी। तो मेरा क्यू क्या था, क्यू था मेरा 5, 5 आ गया, फिर मेरा आर क्या था, आर था मेरा 5, 5 आ गया, डी क्या था, डी था मेरा 12, 12 आ गया, मेरा आंसर आ गया 5, 5 बाई 12। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 8 1 बाई 4 था, तो 4 8 जा 32 प्लस 1 33, तो ये क्या हो गया 33 बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, 6 2 जा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 क्या होता है 17, तो यहाँ पे हो गया मेरा 17 बाई 6, बीच में क्या था माइनस, तो माइनस कर दिए। हम लोग को पता है ना कि एलसीएम क्या है मेरा 4 और 6 का, ये क्या है 4 6 का एलसीएम मेरा 12 है, तो अगर आप यहाँ पे 12 कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 12 कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या हो गया 4 के साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई किए, 12 लाने के लिए 4 इंटू 3, तो ऊपर मेरा 33 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा इंटू 3, ठीक है, माइनस 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया 12 लाने के लिए, 6 2 जा 12 होता है ना, तो देखिए इसलिए ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 17 इंटू 2 हो गया, तो 33 इंटू 3 क्या हो गया, 33 इंटू 3 हो गया 99, मतलब 99 हो गया, माइनस 17 इंटू 2 क्या हो जाएगा 34, तो 99 माइनस 34 करेंगे तो क्या आएगा 65, है ना, 65 बाई 12 आंसर आ गया मेरा, देखिए ये भी आ गया 65 बाई 12, और यहां भी था मेरा 65 बाई 12, दोनों सेम आ गया ना। तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है, या फिर आप लोग उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है, जो आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं, आंसर मेरा सेम ही आएगा, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।